फंसते हुए नजर आए थे। इस्तीफा मांग आपके चाचा भी फंसते हुए नजर आए थे। मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी चाचा है आपके। मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी चाचा है आपके। मोदी जी की गलती? हमने बोला कि आपके चाचा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? मोदी जी अरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। धंधा दो, धंधा लो के मामले में तो तमाम पार्टी है, लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है, बेंगलुरु कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है एफआईआर का। निर्मला सीतारमण पर एफआईआर हो जाती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है और इस्तीफा तक नहीं होते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमितेश पांडे जी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट से, प्रशासन से, इस देश के कानून से बढ़ गए हैं क्या? कौन? बीजेपी के बारे में आप बात कर रहे हैं? बेशर्म जनता पार्टी, वो लोग बेशर्म लोगों की पार्टी है, जिसका भी ईमान जिंदा है वो लोग उस पार्टी के बारे में बात ही नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते। और अमितेश पांडे का ईमान जिंदा है, अमितेश पांडे इस पार्टी का नाम लेना ही बेकार समझता है, अपनी जुबान गंदा करना है इस पार्टी का नाम लेना। इतने गंदे गंदे लोग इसमें भरे हुए हैं। नाम क्या है भाई आपका? अरे भैया मेरा नाम कुलदीप कुमार राउत है। बताइए, कुलदीप सेंगर भी एगो है बीजेपी में ही, तो नाम लेना भी गंदा है। सवालों का जवाब आपके पास है? हर सवाल का जवाब तो है। सवाल ये है, जो निर्मला सीतारमण पर जो आरोप लगा है वसूली का, पैसा ऐंठने का, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? मैंने तो बोला कि बेशर्म लोगों की पार्टी है बीजेपी, ये लोग नहीं देंगे इस्तीफा। इस्तीफा ये लोग नहीं देंगे। वही अगर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति कुछ भी करेगा, ईडी जाएगी और 10 रुपया भी निकल जाएगा ना उसके पास से, तो तुरंत इस्तीफा दो चिल्लाने लगेंगे, नाचने लगेंगे, मरने लगेंगे वो लोग, छाती पीटने लगेंगे। केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में फंसाया गया था शराब को लेकर के, पूरी बीजेपी सड़क पे आ गई थी, नाचने लग रही थी, सड़क पे लेट गई थी कि हम मर जाएंगे, केजरीवाल जी आप इस्तीफा दे दीजिए। ये स्मृति जो... लेकिन ये लोग निर्मला ताई के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये वही निर्मला ताई है जो कहती है मैं प्याज नहीं खाती, मुझे प्याज के भाव से कोई मतलब नहीं है। अरे आप झूठ बोल रही थी निर्मला ताई, आप ये कहिए कि पैसा ऐंठ ली है पूरा, इसीलिए आपको प्याज के भाव से मतलब नहीं है। जिसके पास अब आपके पास 1 लाख रुपया घुसखोरी का आ जाएगा, भाजपा कार्यालय से आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तो आपको क्या मतलब है नमक तेल के भाव से? वो तो 500 का भी मिला था, आपने कहा ये ब्लैक मनी है, 2 नंबर का पैसा इसे खरीद लो। तो यही चल रहा है बीजेपी में। ये बचा कौन रहा है इनको? वही महामानव जिनका इतना बड़ा मुंह है, इतना इतना दाढ़ी कोरोना में बना लिए थे, ऐसे करके फोटो खिंचाते थे और नीचे लिखा रहता था 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, उन्हीं का हाथ है और किसका हाथ रहेगा? नाम लेने से डर रहे क्या अमितेश पांडे? नाम लेने से मैं नहीं डरूंगा। माइक छोड़िए, एक सेकंड माइक छोड़िए। अरे माइक छोड़िए, ये माइक लेके ऐसे ही ना थाली बजाने लग रहे थे। आप थाली पकड़े होंगे, कुछ नहीं मिला हो तो माइक का ये डंटा नीचे का पकड़ कैसे ऐसे बजा रहे होंगे। थाली बजाइए आप लोग, टॉर्च जलाइए टॉर्च। अच्छा, निर्मला सीतारमण फंसती हुई नजर आ रही है, पैसा ऐंठने को लेकर के वो फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप लोग गृह मंत्री अमित शाह जी का, चाचा भी फंसते हुए नजर आए थे, इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके चाचा भी फंसते हुए नजर आए थे। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी चाचा है आपके। मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी चाचा है भैया। मोदी जी की गलती? हमने बोला कि आपके चाचा प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? मोदी जी आप प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं इन मामलों में? हमने तो नाम भी नहीं लिया। मोदी जी चाचा है आपके, आप पहले ये बताने का काम कीजिए। हमने पूछा कि आपके चाचा फंस रहे हैं तो आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम ले रहे हैं। मोदी जी चाचा नहीं ना है आपके, वो देश के प्रधानमंत्री। अगर आपके चाचा है तो आपकी चाची को उन्होंने क्यों छोड़ा? इस सवाल का जवाब दीजिए। ये मोदी जी के नाम पर आप लोग कब तक चापलूसी करते रहे? हमने नाम भी नहीं, ड्रामा करते रहे, उस व्यक्ति का हमने नाम भी नहीं लिया। और कौन से मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? नीरव मोदी जी की, ललित मोदी जी, नरेंद्र दामोदर? अच्छा कौन है आपके चाचा? ललित जी की, नीरव जी? अच्छा नरेंद्र जी। देश नरेंद्र से परेशान है, दिल्ली कुलदीप से परेशान है। भैया कोई तर्क का तो, सवालों का तो जवाब दे दीजिए। तर्क सारे सवाल का जवाब है, आपको बार बार बता रहा हूँ, महामानव इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, महामानव को इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए अरविंद केजरीवाल जी, उनके खिलाफ आरोप साबित भी नहीं होता है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। बिहार के हमारे बड़े नेता हुए लालू प्रसाद यादव जी, लोग कितना हल्ला किया, चारा चोर चारा चोर चारा चोर चारा चोर कि चारा खा गए बोल रहे थे ना लोग बीजेपी वाले, पकड़ के उनको जेल में भी डाल दिया गया। अगर वो बीजेपी में मिल जाते तो वो जेल में नहीं जाते, इस बात को आप भी जानते हैं अच्छे से। तो कई सारी चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन लालू जी तो जेल में चले गए अगर वो चारा चुराए तो, लेकिन आपके नरेंद्र मोदी जी कब जेल में जाएंगे? वो भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किए हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी का नाम कहाँ आ रहा है स्मृति? इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया है, निर्मला सीतारमण जी का नाम आया है, उस पर कार्रवाई की बातें हो रही है, एक्शन तो हो रही है ना? क्या क्या हो रहा है? पकड़ के जेल में डालिए तब मानेंगे कि एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। पैसा लेके आप लोग आ जाएंगे निर्मला ताई से, कहेंगे कि एक्शन हो रहा है। आप भी बड़े निर्मल आदमी हैं, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं हो रहा है कहीं पे भी।
कोर्ट ने कहा है ना एफआईआर करो, एफआईआर गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है पूरी दुनिया जान रही है। और बिहार के बड़े नेता हुए लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बोला था कि धरती पे आए हैं तो कुछ काम कीजिए और चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो चंदा आप लोग ले रहे हैं भाजपा कार्यालय से और उसी पैसा का जलपान। चंदा किसने नहीं लिया? मैंने देखा भाई, ये आदमी पल्पी ऑरेंज पी रहा था कुछ देर पहले, वो चंदा के पैसा से ही पी रहा था। भाजपा कार्यालय से आप चंदा लिए, वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, आप लोग में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग कर रहे हैं। आप पहनते हैं 4,000 का जूता, आपका कैमरामैन पहनता है 6,000 का जूता, ऐसे ही थोड़े आ रहा है। मितेश पांडे को नहीं समझ में आता है चंदा 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 क्यों इतना चंदा आप लोग? ठीक है, एक सवाल का आप जवाब दीजिए, हालांकि आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन सवाल का जवाब हमने, जो राहुल गांधी भी सांसद है और सांसद थे, जब उन पर पहले माफी मांगी आप, अरे भैया मोदी जी के नाम के आगे जी लगाएंगे, राहुल गांधी जी को राहुल गांधी बोलेंगे, ये बेईमानी है कि नहीं है? जो पैसा देगा उसको चाचा कह देंगे और जो नहीं देगा उसको आप गरियाएंगे। बताइए, पहले माफी मांगिए। मैंने गाली दिया राहुल गांधी का, कह रहे हैं राहुल गांधी जी बोलिए, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी बोलिएगा, जबकि राहुल गांधी जी पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किए हैं। एक घोटालेबाज के नाम के आगे जी लगेगा और राहुल गांधी जी के नाम के आगे राहुल गांधी लगेगा, ये कहां तक ठीक है? जवाब दीजिए इस बात का। अरे भैया, तो आप तो बोलने तो दीजिए, राहुल गांधी जी पे भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो आप उनके नाम के आगे जी लगा रहे हैं घोटालेबाज के नाम के आगे, और राहुल गांधी जी के नाम के आगे राहुल गांधी कह रहे हैं। चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। अरे अमितेश पांडे जी, ये बताइए, राहुल गांधी जी जब सांसद थे उन पर आरोप लगा तो उनके साथ जो है कई तरीके के व्यवहार किया गया, उनकी संसदीय सदस्यता छीन ली गई, लेकिन निर्मला सीतारमण पर आरोप लगा है तो न तो उनकी संसदीय सदस्यता पर सवाल उठ रहा है और न ही उन पर कार्रवाई की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चुप है। तो ये तो आप बताइएगा, आपके लोग हैं, हम इस पे क्या बताएं? भारतीय जनता पार्टी में आप जाते हैं डेली, मैं तो जाता नहीं, आप उनकी नीति अच्छे से जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किया, फिर भी अभी प्रधानमंत्री हैं, सदन में बैठ के ऐसे करके मुस्कुराते रहते हैं, 70,000 का मशरूम खाते हैं, 10,00,000 का सूट पहनते हैं, 5,00,000 का बूट पहनते हैं, तो शर्म हया तो है नहीं बीजेपी में, तो मैं कैसे इसका जवाब दूं? आप दीजिए। ये सीबीआई और ईडी का खेल क्यों नहीं चल रहा भारतीय जनता पार्टी में? नहीं चलेगा ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, भारतीय जनता पार्टी में यही है। लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, तो इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है, नीतीश जी हैं एक तरफ, नायडू जी हैं एक तरफ। आप बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार रहती या फिर किसी और अन्य दल की सरकार रहती और तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह की घटना घटी, वो जो लड्डू था उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा था, मछली का तेल और चर्बी, क्यों मामला ठंडा गया? अरे देखिए मत, बताइए क्यों ठंडा गया? बीजेपी अभी सत्ता में है, नायडू जी वहां के सीएम है। भैया कोर्ट ने कह दिया ना, जब इन मामलों में जब पुख्ता सबूत नहीं मिला तो आप इस पर आरोप क्यों लगाए हैं? सबूत नहीं मिला, एनडीटीवी एक चैनल अच्छा, हमें आपको बता रहा हूं, कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? है, तो कोर्ट ने कहा ये बात, हम फटकार लगाई है सरकार को उसने, कोर्ट ने क्या, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने ये कहा है जब इस मामलों में जब चर्बी नहीं मिली है तो ये अफवाहें क्यों उड़ी? झूठ बोल रहा है ये पत्रकार, अगर चर्बी नहीं मिली है तो आप खाएंगे बालाजी का लड्डू? बताइए, मैं मंगवाता हूँ अभी, खाएंगे आप? मंगवाइए आप, खाएंगे आप? मंगवाइए आप, नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सनातन धर्म में मछली खाना गलत है, जो भी सनातनी होता है वो चर्बी नहीं खाता है, और कौन सा जीव का चर्बी मिला हुआ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इस विषय पे बात ही अपना करे तो ही ज्यादा ठीक है। जहां तक बात रही निर्मला सीतारमन जी की, भ्रष्टाचार का आरोप उनपे सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनपे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम नहीं देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है, और देश की जनता एक एक भाजपाई का कॉलर ऐसे पकड़ करके तब सवाल करेगी कि तुम लोग जब भ्रष्टाचार कर रहे थे तुम लोगों ने धर्म का सहारा क्यों लिया? अभी सारे जगह से मीडिया से ये खबर गायब हो चुकी है, एक ही खबर चल रहा है कि हरियाणा का चुनाव चल रहा है, 90 सीट भाजपा जीत रही है, 90 में से हरियाणा का चुनाव चल रहा है, 88 सीट भाजपा जीत रही है। हरियाणा के चुनाव की भी मैं आपको बात बता दूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है।